इतने टेस्टी आड़ू यहाँ उगते हैं। थोड़ा जल्दी करोगे प्लीज? मोगली जरा ये खाओ, ये सबसे अच्छा है। शुक्रिया दासी। इसमें कीड़ा है। वही तो, खाली आड़ू से अच्छा है एक कीड़े वाला आड़ू। तुम्हें कैसे पता इनके अंदर कीड़े हैं? इनकी खुशबू से मुझे पता चल जाता है। तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? हम लड़ने नहीं आए हैं काला, हम तो बस पीचेस खाने आए हैं। यहाँ की एक एक चीज मेरी है। आज के बाद मेरे इलाके में आने की हिम्मत मत करना। बघीरा। अरे नहीं। ओ, गहरी चोट लगी है। ओ, ये चोट कैसे लग गई? दाजी, तुम्हें काला याद नहीं? काला नहीं तो, काला पीला कुछ याद नहीं। बघीरा, ज्यादा हिलना डुलना बंद करो वरना दर्द और बढ़ जाएगा। बलू, मुझे कुछ नहीं हुआ। जितना सोचा था उससे खतरनाक है। हमें फौरन इस चोट पर काले कीड़े लगाने होंगे। काले कीड़े? हाँ, वो कोहरा घाटी में मिलते हैं। उनके काटने से थोड़ी देर के लिए अकड़ जरूर जाते हैं, पर वो चोट ठीक करने का काम करते हैं। मैं उन कीड़ों को ढूंढूंगी, जल्दी चलो। हाँ, पर वो तो उस काला के इलाके के अंदर ही आता है। ओह, एक मिनट, ये काला कौन है? मैं भी साथ चलूंगा। बघीरा, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम यहीं बलू के साथ रहो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। कीड़े लेने डाजी मेरे साथ जाएगी। लोग पहुंच गए कोहरा घाटी, तो चलो अभी काला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। काला, काला, मुझे याद आ गया, काला तो एक खूंखार तेंदुआ है। चलो यहाँ से चलते हैं। डाजी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें थोड़ा चौकन्ने रहना होगा, काला के साथ साथ ये जगह भी खतरों से भरी हुई है। डाजी, समझो तो सही, मुझे कीड़े ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ पता है, वो मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी, वो जमीन के नीचे भी रहते हैं। हमें उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। हाँ, वहाँ खतरा तो बहुत है, पर मोगली बहादुर है और डार्जी उसके साथ है, वो काले कीड़ों को ढूंढ लेंगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ले आता हूँ, उससे तुम्हें राहत मिलेगी। और एक जरूरी बात, अपनी जगह से हिलना मत। तुम्हें कहीं वो कीड़े दिख रहे हैं डार्जी? मैं फिलहाल देख रही हूँ कहीं काला ना छुपा हो। उसकी फिक्र मत करो, काला शायद इस इलाके में नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। बघीरा, बघीरा, सूखा पेड़, मैं ऊपर चढ़कर देखती हूँ। दासी रुको, ये सूखा पेड़ नहीं है, ये तो बड़ा भारी कैक्टस का पेड़ है। अगली बार कैक्टस से दूर ही रहना, समझी? कैक्टस? ये
कैक्टस क्या होता है? थक गया। अरे लगता है काला है, हमें छुपना होगा। इसे उठाने में मदद करो। ये काला नहीं है डार्सी, ये तो गर्म पानी का फुहारा है। डार्सी, डार्सी! अरे मोगली, तुम यहाँ कब आए? अरे वाह, कीड़ों की खुशबू, यहीं आसपास कीड़े हैं। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? झाड़ियाँ, यहीं तो वो कीड़े रहते हैं। अरे पर यहाँ तो है ही नहीं। उनकी खुशबू तो आ रही है पर दिख क्यों नहीं रहे? शायद उन्होंने खुद को गाड़ दिया हो। कभी कभी वो ऐसा करते हैं, पर तुम्हें ये कैसे पता चला? मिल गए। अब जल्दी से ना बघीरा तक ले चलते हैं। एक दो तो खाने दो मोगली। अच्छा एक नहीं, एक ही दे दो। कहीं तो मकर ना जाओ, और अभी इनकी जरूरत बघीरा को है। ओ, ये तो चीटिंग है। ये गर्म पानी की फुहार की आवाज तो शैतान काला की तरह है। किसे शैतान कहा तुमने? डार्सी, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझे चाहिए सिर्फ इंसानी बच्चे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हम छुप क्यों रहे हैं भला? अच्छा तो यहाँ है मेहमान। बघीरा, तुम यहाँ क्यों आए? बघीरा तुम पहले ही जख्मी हो। इस हालत में मुझ पर वार करोगे? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। हाँ ठीक है, पर पहले बघीरा से तो निपट लूं। अब कीड़ों से हमला करोगे? हाँ ये क्या है? ये हटाओ इन्हें, ये काट रहे हैं, बदबू भी आ रही है। बघीरा! मोगली तुम ठीक हो ना? मैं बस यही चाहता था तुम्हें कुछ नहीं। बघीरा मैंने बहुत देर कर दी। नहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जल्दी से डार्जी को कहो कि सारे कीड़े इकट्ठा करें। वो जरूर यही इस पत्थर के नीचे होगी। कुछ कीड़े ढूंढ रही थी, क्या पता शायद यही मिल जाए। घाव अब भरने लगा है, कीड़ों ने अच्छा असर दिखाया। कीड़ों ने? तुमने अकेले अकेले कीड़े खाए और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा बघीरा।
शुक्र है, अपनी खोपड़ी तो हिला सकता हूँ। जंगल की ये खामोशी ठीक नहीं लग रही। उन पक्षियों को देखो, काफी डरे हुए लग रहे हैं। और ये महक मुझे तो उस खूंखार काले तेंदुए की लग रही है। काला वापस आ गया, यानी कि मोगली के लिए नया खतरा आ गया है। उस मगरमच्छ ने पूरी कोशिश की, पर बघीरा ने हार नहीं मानी। उसके पैने दांतों से बचता रहा और घंटों तक उसे उलझाए रखा। और देखते ही देखते मेरे दोस्त ने वंगुंगा नदी के सबसे बड़े मगरमच्छ को आखिरकार मात दे ही दी। वो बघीरा तो कमाल का शिकारी है। कमाल का फेंकू कहो फेंकू, एक मरियल तेंदुआ मगरमच्छ को कैसे हरा सकता है। हा? बघीरा कोई मरियल तेंदुआ नहीं है टबाकी, वो सबसे जाबाज, सबसे ताकतवर और सबसे या? तुमने उस पर भरोसा किया? कितने भोले हो तुम। तुम्हें यकीन नहीं, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। बाला, इस चुगलखोर को यही बैठाना, मैं अभी बघीरा को लेकर आता हूँ। वो खुद इसे बताएगा उसमें कितना दम है। हाँ हाँ, आराम से आना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखूं तो कितना दम है उस चूजे बघीरा में। पहले हमें पक्का करना होगा, क्या वाकई काला ही आया है। बघीरा, 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 तुम्हें जल्दी मेरे साथ नदी के पास चलना होगा, वो टबाकी। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। ये बघीरा को अचानक क्या हो गया, वो ऐसे क्यों गया, मुझे भी बताओ क्या बात है। ओह, बघीरा को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही तो है। हाँ, नदी के पास टबाकी ने क्या किया। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो, अगर तुम दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं अपने आप ही पता लगा लूंगा। इतने बड़े नहीं हुए। छोड़ो मुझे, जाने दो। पहले देखते हैं वो तबाकी क्या गुल खिला रहा है। मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकता हूँ। बलू, बलू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ बलू? मार के पूछ रहे हो क्या हुआ? देखा जिद का क्या नतीजा होता है। जिद तुम कर रहे थे। ओ, बहस मत करो, अब मुझे कुछ मोरिंगा की पत्तियां ला कर दो ताकि मेरा दर्द कम हो, वहाँ उन झाड़ियों में होंगी। ले आओ, जाओ जल्दी। अभी लाया। बोलो। वो काला ही है, मैंने भेड़ियों की गुफा के पास उसके निशान देखे, उसके आगे के पंजे पर वो निशान मैं कभी नहीं भूल सकता। इंसानों को खाने वाला खतरनाक काला तेंदुआ वापस आ गया है। मोगली को खाने? वो भी बदले की आग के साथ। याद है वो मोगली को खाने वाला था 10 साल नहीं 11 साल पहले। उसने कसम खाई थी वो वापस जरूर आएगा। शायद वो वक्त आ गया है। मोगली को कुछ मत बताना, वो बेवजह परेशान होगा। तुम मोगली को अपनी नजरों के सामने ही रखना, मैं जल्दी उस काला को जंगल से बाहर खदेड़ता हूँ। मोगली, तुम्हें वो पत्तियां मिली कि नहीं? मोगली, मोगली कहां गए तुम? अरे नहीं, कहाँ रह गए थे? बघीरा कहाँ है? वही तो, कहाँ गया तुम्हारा खतरनाक तेंदुआ, लगता है डर के दुबक गया। फिलहाल वो किसी बड़े मामले को सुलझाने में लगा हुआ है। तुम्हें बता दूं, हम गीदड़ों में भी दिमाग बड़ा तेज होता है। अगर कभी उसका मुझसे सामना होगा तो मैं उसे ऐसे और फिर ऐसे चकमा दूंगा और फिर घूम के आऊंगा।
ओ बहुत अच्छे। बहुत बोलते हो तुम गीदड़, मैंने तुम्हारे मुंह को बंद करने का इलाज ढूंढ लिया है। ये सही किया मोगली। चलो बाला, हमें एक दूसरे खास काम को अंजाम देना है। अच्छा, कैसा काम? बघीरा, मोगली कहीं नजर नहीं आ रहा और काला भी। काला कुछ ही देर पहले यहाँ आया था, ये निशान ज्यादा पुराने नहीं है। ओ, हमें मोगली को ढूंढना होगा इससे पहले कि काला। हम भेड़ियों की गुफा जाते हैं क्योंकि बघीरा ने काला के निशान वही देखे थे। फिर जब तक वो हमारे हाथ नहीं लगता, हम पूरा जंगल छान मारेंगे, ठीक है दोस्त? हाँ, पर कैसे? ऐसे और कैसे। कितना आसान है ना? जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। आज के बाद इस जंगल में लौट कर मत आना, अगली बार जिंदा नहीं जा पाओगे। अच्छे बघीरा, तुम बड़े बहादुर हो, क्या पिटाई की काला की। उस टबाकी को भी मैं यही कह रहा था। एक काम करोगे बघीरा, क्यों ना एक बार उस टबाकी को भी। बघीरा आ ही गए, टाइम मिल गया। मैंने सुना तुमने मगरमच्छ को हराया, ठीक से देखा था कहीं चिपकली तो नहीं थी। अच्छा बाबा, मगरमच्छ था। बघीरा मार लिया ना, अब तो पीछा छोड़ो। अकलमन गीदड़ डर के भाग रहा है। उसके साथ यही होना था। बलू, ये तुम्हारी चोट के लिए। आखिर तुमने मेरा झूठ पकड़ ही लिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम मुझे काला के बारे में बता सकते थे। हाँ, हमारे पास एक खुफिया हथियार था। हाँ, मैंने आज ही बनाया। पर इसने ठीक से काम नहीं किया है ना? वो क्या है,
उसने अचानक हमला कर दिया था ना, पर अगली बार कोई सामने आएगा तो उसे मेरा अच्छा खासा जवाब मिलेगा। जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए,